दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कैसे कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक और कुछ एप्लीकेशन को यहाँ पर हाइड करके रखा है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा फेसबुक का एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है और मैं चाहता हूँ कि इस फेसबुक और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को हाइड कर देना ताकि कोई मेरा फ़ोन यूज भी करे तो उसे पता नहीं चल पाए कि मैं फेसबुक यूज करता हूँ या नहीं करता हूँ, या मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो आप कोई भी एप्लीकेशन को कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे छुपा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आजकल जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं उस सभी एंड्रॉयड फ़ोन में एक फीचर दिया रहता है एप्लीकेशन को हाइड करने का। तो दोस्तों अगर आप लोग रेडमी मोबाइल यूज कर रहे होंगे तो आपके फ़ोन में भी ये फीचर रहता है, और ये फीचर हमें मिलता कहाँ है इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको तो अपने फ़ोन के सेटिंग में आना है। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग का आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं यहाँ पर सेटिंग का पूरा पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ से सभी मोबाइल के जितने भी सेटिंग वगैरह होते हैं सब चीज़ यहाँ से मैनेज किया जाता है। अगर आप लोग रेडमी यूजर होंगे तो आप लोग को पता होगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। अब दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे दोस्तों तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पर देख सकते हैं ऐप का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस ऐप्स वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन होकर आता है जैसा कि देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे में आपको एक ऐप लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको कहीं भी हिडन ऐप का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। हो सकता है दोस्तों अगर आप लोग Realme का यूजर होंगे या आप कोई दूसरा फ़ोन यूज करते होंगे तो उसमें कुछ दूसरा सेटिंग वगैरह के नाम से उस पर लिखा होगा। यहाँ पर आपको ऐप लॉक को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे, पहले हम इसको ओपन कर देते हैं। देखिए दोस्तों जैसे मैंने ऐप लॉक पर क्लिक किया, यहाँ पर ऊपर में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ऐप लॉक, और इसके साइड में क्या दिखाई दे रहा है, हिडन ऐप। यहाँ से ऐप लॉक पर क्लिक करके आप सभी अपने ऐप को लॉक लगा सकते हैं। अगर आपको अपने एप्लीकेशन को हिडन करना है, छुपाना है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर आना होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होंगे सभी यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर देखिए एक बटन का यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है ना, इसको ऑन ऑफ करना होता है। ऑन कर देंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन होगा वो हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि किस एप्लीकेशन को मुझे हाइड करना है। चलिए मैं आपको पहले होम स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। अब देखिए दोस्तों मुझे इस दोनों एप्लीकेशन को हाइड करना है, यहां पर फेसबुक है और यहां पर इंस्टाग्राम है। तो इसको हाइड करने के लिए हम यहां से आते हैं अपने सेटिंग पर। अब देखिए दोस्तों इसमें जहाँ पर भी फेसबुक एप्लीकेशन होगा या इंस्टाग्राम एप्लीकेशन होगा उसको हम सबसे पहले यहाँ पर खोजेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फेसबुक का एप्लीकेशन है और इसके सामने एक बटन दिया हुआ है। जैसे हम इसको ऑन कर देंगे तो वहाँ से हमारा जो एप्लीकेशन है वो छुप जाएगा। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको ऑन कर दिया। अब जाकर आप उस होम पेज पर देखेंगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको फेसबुक एप्लीकेशन दिखाई नहीं देगा। अब आते हैं हम इंस्टाग्राम पर। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है और मैं इस एप्लीकेशन को भी हाइड करना चाहता हूँ, तो इसको क्या करूँगा, यहाँ से ऑन कर दूँगा। ये भी ऑन कर दिया। अब ऑन करने के बाद ये दोनों एप्लीकेशन जो है वो हाइड हो चुका है। अब हम चलते हैं होम स्क्रीन पर और वहाँ पर देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन हाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। आते हैं हम होम स्क्रीन पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा फेसबुक का एप्लीकेशन था और यहाँ पर इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन है, दोनों हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर हाइड हो चुका है। अब दोस्तों उस एप्लीकेशन को देखेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि वो एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ से ढूंढेंगे उसको। तो दोस्तों अब उस एप्लीकेशन को खोजने के लिए, पता करने के लिए कि हमने जो हाइड एप्लीकेशन को किया है, जो हमने एप्लीकेशन को छुपाया है, वो एप्लीकेशन आखिर गया तो कहाँ गया, हमें तो यहाँ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर होम पर आ जाना है। अब देखिए दोस्तों जैसे हम फोटो को जूम करते हैं ना, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई फोटो है तो हम इस तरीके से पकड़ कर उसको ऐसे 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 करके जूम करते हैं। आपको भी क्या करना है दोस्तों, होम पर आ जाना है और होम पर आने के बाद आपको इसी तरीके से जूम करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको जूम करते हैं। देखिए दोस्तों जैसे हम उसको जूम किए, यहाँ पर हमारा हिडन एप्लीकेशन आ चुका है। यहाँ पर लिख रहा है ना हिडन ऐप्स,
यहाँ पर हमने दो एप्लीकेशन को हाइड करके रखा है, इंस्टाग्राम और फेसबुक को। तो दोस्तों इस प्रोसेस के माध्यम से आप बड़े ही आसानी से आप कोई भी एप्लीकेशन को छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। किसी भी बंदे को पता नहीं चल पाएगा कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं, अपने फ़ोन में कौन कौन सा एप्लीकेशन रखे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए